अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे सिहाब भाई के बारे में। सिहाब भाई की आज की क्या लोकेशन है, क्या लाइव अपडेट है। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 26 फरवरी, तो आज 26 फरवरी की सिहाब भाई की क्या लोकेशन है, क्या अपडेट है। मेरे अजीज़ दोस्तों साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिहाब भाई का सफ़र ईरान देश के अंदर जारी है और ईरान देश के अंदर सिहाब भाई लगातार अपनी इस मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईरान देश के अंदर सिहाब भाई किस जगह पर और किस शहर में मौजूद हैं और अब तक सिहाब भाई ने कितना किलोमीटर सफ़र ईरान देश के अंदर तय कर दिया। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही सिहाब भाई की कोई भी नई अपडेट आए मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिहाब भाई को अपने इस सफर पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। तो मैं आपको बता दूं, आज मोहम्मद सिहाब भाई को अपने इस सफर पर अपने घर से चले हुए आज पूरे 274 दिन का वक्त बीत चुका है। दोस्तों 274 दिन पहले सिहाब भाई ने अपना ये सफर शुरू किया था, ये सोच करके कि आने वाले 2023 के हज को मैं हज अदा करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कुछ परेशानी सिहाब भाई के रास्ते में आई थी, उन परेशानियों को दूर होते हुए काफ़ी समय लगा, लेकिन अल्लाह ने उन सभी परेशानी को दूर कर दिया और सिहाब भाई अपने सफ़र पर निकल पड़े। तो दोस्तों आज बात करें सिहाब भाई की लोकेशन के बारे में। तो आप तो ये सब जानते हैं कि सिहाब भाई का सफ़र इस वक्त ईरान देश के अंदर इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ईरान देश से सीधा अब लगातार इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, सोशल मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है कि अब सिहाब भाई जो इस सफ़र पर हैं, यानी जिस शहर से निकले हुए हैं, ईरान देश के अंदर पड़ता है, इसका नाम है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से सिहाब भाई इलाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इलाम से सीधा ये मेहरान पहुंचेंगे, यहाँ से सीधा ये कुवैत बॉर्डर की तरफ, इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, बात करें सिहाब भाई के साथ इनके इस सफ़र पर कोई इनका साथ ईरान देश के अंदर दे रहा है या नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से सिहाब भाई अपने वीडियो खुद सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस वीडियो के अंदाजे से तो यही लगाया जा रहा है कि सिहाब भाई अपने सफ़र पर अकेले तनहा लगातार अपनी इस मंजिल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें, इनका साथ वहीं पर भी कोई नहीं दे रहा, ये अकेले अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ पर कुछ बुजुर्ग नौजवान हैं जो कि सिहाब भाई से दूर रह कर के उनकी खातिरदारी कर रहे हैं, उनके इस सफ़र का सही तरीके से इंतज़ाम करते हैं। तो दोस्तों बस आप सभी से यही अपील है कि आप सब सिहाब भाई के हक में दुआ कीजिए, अल्लाह से इनके हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह इनके इस सफ़र को आसान करे, ये जल्द से जल्द अपनी इस मंजिल को पा जाएँ।